क्या तमाशा है कृतिका? What nonsense is this? तुम्हारी हिम्मत कैसे इस भागवत के बेटे से मिलने की? ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करोगी, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बहुत नाम रोशन किया है डैड का। आपसे तो कभी कर रही हूँ कृतिका, अपनी जबान को लगाम दो। अगर तुम मेरी बहन नहीं होती तो तुम्हारी जबान काट के रख देता, काट देता, मार देता, गोली से उड़ा देता। यही भाषा आपको पापा ने सिखाई थी? Shut up! Shut up, will you? और मेरी बात कान खोल के सुन लो कृतिका, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ऋषभ के साथ देख लिया तो God bless him। और उसे भी जाके ये कह देना, उसे समझा देना कि ये कोई धमकी नहीं है बल्कि वीर प्रताप सिंह के बेटे करण की चुनौती है। For your kind information, मेरी रगों में भी वही खून दौड़ा है। So don't challenge me। कृतिका प्लीज, आप दोनों इस घर को बाजार मत बनाइए। करण, हो सकता है अखबार में जो खबर छपी हो वो गलत हो। आप प्लीज। और कृतिका, करण का गुस्सा बेवजह तो नहीं है ना? अगर तुम्हारे बारे में अखबार में कुछ छपा है या कुछ तस्वीर है तो इससे सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी होती है। अगर ऐसा कभी हुआ तो उस दिन आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। कृतिका, तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो। ये बात नहीं समझ रही हो कि ऐसी फोटो, ऐसी न्यूज आएगी तो लोग गलत फायदा उठाएंगे ना, खास करके हमारे विरोधी। मुझे मालूम है। खाक मालूम है तुम्हें। करण, मैं बात कर रही हूं ना, प्लीज। कृतिका, हर कोई तुम्हारी तरह प्योरली नहीं सोचता। तुम्हें कैसा लगेगा कि अगर कुछ गलत लोग तुम्हारा, पापा का, इस परिवार का फायदा उठाएं, गलत बातें करें इस परिवार के बारे में? आप किसे समझा रही है बाप? इसे जो आज तक ये नहीं समझ पाई कि हमारा खानदान क्या है, हमारे खानदान की परंपराएं क्या है, इसे समझा रही हैं आप? एक्सक्यूज मी, ना तो मुझे यहाँ कोई कुछ समझा रहा है और ना कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है। मुझे आप यहाँ धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पापा का नाम लेकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो ताकि मैं आइंदा ऋषभ से ना मिलूं। लेकिन क्यों? क्यों? तुम क्यों मिलना चाहती हो उससे? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? यहां मैं तुम्हारा भाई हूं, ये तुम्हारी मां है, ये तुम्हारी भाभी है, लेकिन वो क्या है जिसके लिए तुम अपने सारे खानदान से लड़ना चाहते हो? Who is he? जो निभाए वो रिश्ता होता है, लेकिन आप लोगों की आंखों पे तो राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ है जिसमें रिश्तों का रंग दिखता ही नहीं है। कृतिका, कृतिका, डोंट ट्राई माय पेशेंस। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। होने दीजिए, मैं नहीं डरती। कृतिका, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। हैव अ नाइस डे। मानव, उससे तो हमें बहुत जल्द मिलना होगा, बहुत जल्द। पापा, आपने आज का पेपर तो देखा होगा। हाँ, ये कृतिका और तुम्हारी तस्वीर की बात कर रहे हो ना, मुझे भी देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पापा, मैं मानता हूँ कि आप और प्रियंवदा आंटी एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक लड़ाई की आग ने अपने बच्चों को झोंक देना क्या सही बात है? कहना क्या चाहते हो? ये फोटो कैसे छप गई? अरे बेटा, तुम तो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींची, किसी ने छापी। पापा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसके पत्रकार मानव के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। संबंध तो मेरे सभी पत्रकारों से अच्छे हैं। जाने कितने पत्रकार मुझसे रोज मिलने जुलने आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर खबर फोटो के पीछे मेरा हाथ है।
मैं आपको कैसे समझाऊं पापा? इसकी वजह से कृतिका के लिए परेशानियां और बढ़ जाएंगी। एक तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से वो बेचारी अपनी बीती हुई जिंदगी के हादसों को बुलाने की कोशिश कर रही है, ऊपर से वो बाल सखा के कारण उसके घर में झगड़े और बढ़ गए हैं। ऐसे में हमारी ये फोटो छपवाकर किसी को क्या हासिल हो जाएगा? इसमें सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी भी बदनामी है। देखो बेटा, अगर तुम्हें अभी भी ये गलतफहमी है कि ये तस्वीर मेरे इशारे पर छपी है तो तुम गलत हो। क्या कोई बाप चाहेगा कि उसका बेटा बदनाम हो? पापा, मैं सिर्फ अपनी ही नहीं कृतिका की बात भी कर रहा हूँ। हम दोनों की गलती सिर्फ इतनी है कि हम राजनेताओं की संतान है और हमें विरोधी दलों की लड़ाई में झोंका जा रहा है। पापा प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारी दोस्ती को राजनीतिक रंग देने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। देखो ऋषभ, मैं मानता हूं राजनीति में झूठ का सहारा लेना पड़ता है, छल कपट करना पड़ता है, लेकिन मैं इतना महान भी नहीं हुआ हूं कि अपने बेटे और बेटी जैसी कृतिका की बदनामी का सहारा लेकर नाम कमाऊं। तुम्हारी और कृतिका की दोस्ती को जो भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेगा, मैं वादा करता हूं पहले उसे भागवत से निपटना होगा। और ये एक नेता का नहीं, एक बाप का वादा है। जो होना था वो हो चुका, अब तो रेप का केस भी खत्म हो गया है। कोई बहाना नहीं चलेगा, हमें जल्द से जल्द जाकर श्वेता की शादी के बारे में बात करनी चाहिए। तुम हमेशा जल्दी में क्यों लगी रहती हो? उनके घर की सिचुएशन तो ठीक होने दो। श्वेता की शादी और डिले नहीं हो सकती है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? उधर क्या देख रहे हो? फोन तो इधर है, मैं ले। हेलो, हाँ उर्वशी, हाँ कहिए। हाँ मैं उनको बोल दूँ। ओके फाइनल, सी यू देन, या बाय। मामा, उर्वशी का फोन था, शादी की डेट पक्की करने के लिए आज चाय पे बुलाया हमें। क्या? देखा, तुम तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। जल्दी जल्दी जल्दी। But I'm so happy. Love you. May I come in, ma'am? Come in. Namaste, ma'am. नमस्कार मानव, बैठिए। कई बार सोचा कि आपसे मिलें, लेकिन हमें फुर्सत नहीं थी। जी, कोई खास काम था? और आपके घर में सब कैसे हैं? जी ठीक है। आपकी 5 बहनें हैं ना? जी। उनमें से 3 अभी कुंवारी हैं। आपके पिताजी रिटायर हो गए। मानव, आपकी महीने की तनख्वाह कितनी होगी? जी 12,000 ले जाते हैं आप घर, है ना? उसमें से 5,000 आप अपने घर भेजते हैं। आजमगढ़ में है आपका घर। जी ये सब तो ठीक है मैम, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि रिपोर्टर कौन है, मैं या आप? ये सारी इन्फॉर्मेशन वो भी इतनी डिटेल में। राजनीति में कई किरदार निभाने पड़ते हैं मानव, कभी कभी पत्रकार बनकर लोगों के बारे में जानकारी भी हासिल करनी पड़ती है। जैसा हम कह रहे थे, इस महंगाई के जमाने में बहुत मुश्किल होता होगा आपको घर चलाना और फिर 3 बहनों की शादी भी करनी है। ये आपका निजी मामला है। जी आपने किसी खास काम से बुलवाया था? दरअसल हमारी सरकार ने राजभाषा विभाग की तरफ से एक पत्रिका शुरू करने की योजना बनाई है और हम चाहते हैं कि आप इस पत्रिका में बतौर संपादक काम करें। जी बहुत सुरक्षित जिंदगी होगी आपकी, Grade 1 ऑफिसर का दर्जा भी होगा। पत्रिका का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये आप तय करेंगे। मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस लायक समझा मेरी फिक्र की, लेकिन फिलहाल मैं अपना अखबार नहीं छोड़ सकता। ठीक है, हम फिर भी चाहेंगे आप हमारे प्रस्ताव पर विचार करें। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं
कि प्रतिभाशाली लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए। नमस्कार। नमस्ते। समराज, आज उस ऋषभ का वो हल करूंगा कि दोबारा मेरी बहन से मिलने की जरूरत नहीं करेगा। करण, तू मेरी बात सुनो। देखो, इस मामले में तुम्हें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अरे, पूरी दुनिया पहचानती है तुम्हें। इस मामले को मेरे हवाले कर दो। कभी हमें भी खेलने का मौका दो ना यार। नॉट दिस टाइम समर, नॉट दिस टाइम। ये मेरा जाती मामला है, और पता चलने दो दुनिया वालों को, पता चलने दो कि हमारे खानदान के साथ खिलवाड़ करने वाले को क्या हश्र होता है। और गिव दैट। सिद्ध मत करो करण, तुम्हारी माँ मुख्यमंत्री है और उसका बाप विपक्षी नेता। तो? अरे, तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट से लोग इसे राजनीतिक रंग दे देंगे, इसलिए तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। Are you sure? Yes, करण। चल टाइसन। समर, उस ऋषभ का वो हल करना कि हम बताते हैं तुझे क्या हो रहा है। कृतिका बेटी, बेटी तुम रो क्यों रही हो? ओ, तो पापा से बातें हो रही हैं। इसका मतलब जरूर किसी की बातों से तुम्हें दुख पहुंचा है ना? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। बिटिया, बेटा, दुख बांटने से मन हल्का हो जाता है। पापा के जाने के बाद मैं इस घर में अपने आप को बहुत अकेला पाती हूँ। अच्छा, तो तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया? हाँ भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। बेटा, मेरे साथ अपना दुख बांटो, मन करे तो बहस भी करो, चिल्लाओ, लड़ो, झगड़ो, मगर ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे पापा अब नहीं है। से वादा करो कि आइंदा तुम ये कभी नहीं कहोगी कि तुम अकेली हो। आप मेरी बात कर रहे हैं अंकल, या तो पापा भी अकेले पड़ जाते थे अपने आदर्शों के साथ लड़ते लड़ते, बहुत अकेले पड़ जाते थे, मगर मरते दम तक लड़ते रहा। तुमने ये नहीं देखा बेटी, वीर से तुमने ये सबक सीखना है, रोना नहीं, लड़ना।
हेलो, व्हाट, कब, कहाँ, क्या हुआ? उन्हों किसका फोन था? अंकल, अंकल ऋषभ. तो ठीक है ना? हाँ. किसने किया ये सब? तू बोलता क्यों नहीं किसने किया तुझ पर हमला? नहीं पापा, आपको गलत फहमी हो रही. मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ. एक मामूली सा एक्सीडेंट था. मुझे नहीं पता. मैं जानता हूँ ये किसकी हरकत है. मैं जानता हूँ राजनीतिक झगड़े को व्यक्तिगत झगड़ा कौन बना रहा है. किसने किया ये सब? भाई मैं पहचान नहीं सका. किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया. पहचान नहीं सका? पहचान नहीं सके या क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? कृतिका मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ. आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ऋषभ के साथ देख लिया तो गॉड ब्लेस यू. अगर मैं जानती हूँ कौन है वो.